दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक समस्या और उसकी दो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूं और समस्या का नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, यानी कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस दौरान उसके शुगर का बढ़ना, यानी कि गर्भकालीन मधुमेह जिसको हम हिंदी में कहते हैं। दोस्तों आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसी फीमेल होगी जो डायबिटीज़ की शिकार होगी उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी या वो प्रेग्नेंट है इस वक्त। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि इस कंडीशन में आपको एलोपैथिक मेडिसिन ही लेनी पड़े, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होता और प्रेगनेंसी के दौरान भी सेफ रहती है। इस दौरान अगर मैं बात करूं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि जब चौथा पांचवा और छठा ये 3 महीने होते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के, तो इस दौरान अधिकतर फीमेल का शुगर बढ़ने लगता है। बच्चे के प्रेशर की वजह से जो पेंक्रियाज है वो थोड़ा सा इनएक्टिव, यानी कि उसकी अल्फा बीटा सेल्स थोड़ी सी इनएक्टिव होने लगती है और ब्लड का शुगर और ब्लड शुगर थोड़ा सा इम्बेलेंस हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे करके ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से कुछ फीमेल ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसके कारण की बात करें दोस्तों, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ 2 रहा हो, उसके माताजी को या उसके पिताजी को या उनकी फैमिली में चलता आ रहा हो शुगर, तो इस वजह से उनका प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ सकता है। ये इस तरीके का जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो ये तकरीबन 50% लोगों में ठीक हो जाता है और 50% केसेज में चांसेज रहते हैं कि उस फीमेल को डायबिटीज होने के चांसेज ज़्यादा रहते हैं। कई बार इसका असर बच्चे पे भी पड़ता है और बच्चे ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे बच्चे पैदा होते हैं जिसकी वजह से कई बार सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई इस तरीके का केस है तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन इंसुलिनम 30 पोटेंसी की 3 से 4 बूंदें रात्रि सोने से पहले उस महिला को दें और सीजियम मदर टिंचर 10-10 बूंदें सुबह शाम खाना खाने से पहले 1 कप ताजे पानी में कुछ समय के लिए दें और बीच बीच में आप उनका ब्लड शुगर चेक कराते रहें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस होम्योपैथिक मेडिसिन से, इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से उनका जो ब्लड शुगर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगेगा। कुछ रूटीन में थोड़ी एक्सरसाइज होती हैं वो आप देख कर कर सकती हैं, हल्की एक्सरसाइज करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन लें और इसके कैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आप हमें बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।